हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। बजाज हिंदुस्तान सुगर्स ने अपने क्वार्टर टू के नंबर्स पेश कर दिए हैं, तो चलिए फटाफट से चेकआउट कर लेते हैं कि कैसे कुछ नंबर्स यहां पे कंपनी के आज के दिन में क्वार्टर टू के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो करोड़ में दे रखी है। ये है आपका क्वार्टर टू, क्वार्टर वन और लास्ट ईयर क्वार्टर टू के नंबर्स। सबसे पहले इनकम की बात करेंगे, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स जो है वो इंक्लूड है। तो टोटल इनकम की बात करें तो 1133 करोड़ की टोटल इनकम कंपनी के जनरेट हुए, जो कि क्वार्टर वन में 1356 करोड़ थी और लास्ट ईयर 1325 करोड़ थी। यानी कि इनकम के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी के पास कामकाज उतना नहीं आया है क्वार्टर टू के अंदर। टोटल खर्चे की बात करें तो कंपनी का जो टोटल खर्चा निकल कर आ रहा है 1273 करोड़ का, जो कि क्वार्टर वन के अंदर था 1421 करोड़ और लास्ट ईयर था 1485 करोड़ के आसपास का। यानी कि कंपनी पिछले साल से ही लॉस में देखने को मिल रही है, इस साल भी कंपनी को क्वार्टर के अंदर लॉस ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना निकल कर आ रहा है। तो अब की बार का लॉस रहा है 140 करोड़ के आसपास का, जो कि क्वार्टर वन के अंदर था 64 करोड़ और लास्ट ईयर था ऑलमोस्ट 160 करोड़ के आसपास का। तो नंबर्स खराब हैं क्वार्टरली बेसिस पे भी एंड ईयरली बेसिस पे भी। तो जहां पे 64 करोड़ का लॉस था क्वार्टर वन के अंदर, वो बढ़कर हो चुका है 139 करोड़ का, और ईपीएस और बेसिक डायल्यूटेड वो भी 1.13 नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स इतने अच्छे बजाज हिंदुस्तान सुगर्स ने पेश नहीं किए हैं, और जिसका साफ साफ असर आज के दिन में आप लोगों को इसके स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिला। तो करेक्शन है स्टॉक के अंदर और नंबर्स खराब आए हैं, तो और करेक्शन आने के चांसेस बजाज हिंदुस्तान सुगर्स में देखने को मिल रहे हैं।